तो ये है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का लकी चार्म। सामने आया वीडियो। अभिनेत्री सोनम कपूर इन दिनों अपनी जल्द ही रिलीज होने वाली फिल्म द जोया फैक्टर को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इस फिल्म में वो अभिनेता दुलकर सलमान के साथ नजर आएंगी। इसी बीच सोनम कपूर अपनी फिल्मों का जमकर प्रमोशन कर रही है। फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में वो बीते दिन कई इवेंट और टीवी शोज का हिस्सा बन चुकी है। सोनम कपूर जोया का रोल प्ले करेंगी, जिन्हें इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन से प्यार हो जाता है। दोनों ही सितारे इस दौरान फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। सोनम कपूर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर रही हैं, जिसमें सितारे अपने लकी चार्म के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में वीडियोज में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अपने लकी चार्म के बारे में बताया है। रणबीर कपूर ने इस दौरान खुलासा किया कि जब वे छोटे थे तब वे अपने ख्यालों की दुनिया में रहते थे। वे हमेशा जब भी किसी खास काम के लिए जा रहे होते थे तो उस दौरान वे ऐसे नंबर्स को सड़क पर ढूंढते थे जिसे जोड़ने पर 8 आता हो, जैसे कि 2222। इसके अलावा जब वे छोटे थे तो स्कूल जाते वक्त वे रोड पर रेड मेल ट्रक को देखना पसंद करते थे। सोनम ने रणबीर का ये वीडियो शेयर करते हुए उन्हें थैंक्स कहा कि आपका लकी चार्म क्या है। मेरे अच्छे दोस्त रणबीर कपूर ने अभी अभी ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे अपने लकी चार्म के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे संजू, आप सभी भी अपना लकी चार्म नीचे दिए गए हैशटैग्स के साथ शेयर करें, भाग्य आपका साथ दे। इसके अलावा आलिया भट्ट का भी एक वीडियो सोनम कपूर ने शेयर किया है। आलिया ने बताया कि बचपन से ही उनकी एक आदत रही है, वे जब भी किसी ऐसी परिस्थिति में होती हैं जहां पर वे नर्वस फील करती हैं तो उस सिचुएशन पर पहले से ही इनएक्ट करने लग जाती हैं। वे अपने पक्ष में रिजल्ट को रखते हुए अपने बाथरूम के मिरर के सामने खुद इनएक्ट करती हैं। यही उनका लकी चार्म है। सोनम और दुलकर सलमान की फिल्म इसी 20 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म की कहानी अनुजा शर्मा की किताब पर आधारित है।